नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। आईबीसी 24 की खास पेशकश कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है। कांटे की टक्कर में आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ वह लोकसभा क्षेत्र जहां अब तक कांग्रेस को जीत का इंतजार है। 2008 के बाद परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले दो चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है और यहां से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद चुने जाते रहे हैं। इस बार भी भाजपा की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। वीरेंद्र कुमार भाजपा के अजय नेता माने जाते हैं, जो अभी तक 6 लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार फिर से मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कांग्रेस को इस सीट पर जीत का इंतजार है और अपनी जीत खोजने के लिए कांग्रेस ने एक महिला प्रत्याशी पर दाव खेला है। किरण अहिरवार कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार न सिर्फ वो चुनाव में जीत दर्ज करेगी बल्कि भाजपा के विजय अभियान को भी रोकेगी। ऐसे में दोनों ही दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों का भी दौरा लगातार जारी है और इस सीट पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है। दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला इन दोनों प्रत्याशियों के बीच नजर आ रहा है। चुनावी पारा चढ़ने के साथ ही अब मतदान को लेकर तिथियां कम बची हुई है। यही कारण है कि शाम को भी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं टीकमगढ़ में, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो कि किरण अहिरवार हैं, वो घर घर निकली हुई हैं और वोट मांग रही हैं और ये अपील कर रही हैं कि अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें जीत दिलाई जा सके। रण इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि दो बार जो विधायक यहाँ पर सांसद चुने गए हैं वो भाजपा प्रत्याशी ही चुने गए हैं। ऐसे में एक चुनौती कांग्रेस के सामने है कि किस तरह से भाजपा के जो जीत के अभियान को रोका जाए। तो आइए चलते हैं किरण अहिरवार के साथ और देखते हैं कि किस तरह की चुनावी कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं किरण अहिरवार। टीकमगढ़ के रण को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। भारी गर्मी के बाद भी प्रत्याशी प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और यही कारण है कि रात को भी प्रचार जारी है। इस बार जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है वो किरण अहिरवार हैं। हालांकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पार्टी की जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने की बात है, फिर चाहे वो न्यूनतम आय की बात हो, उसके जरिए चुनाव जीतेंगी। किरण अहिरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह का वादा जनता किसे कर रही हैं और किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? जी हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और हम गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, रोजगार के खाते यहाँ से पलायन भी बहुत होते हैं और यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि मई का महीना शुरू होने वाला है, गर्मी काफी तेज है, तो कैसे प्रचार को मेंटेन करते हैं आप लोग, कैसे कैंपेनिंग की जा रही है? देखिए, गर्मी बहुत है लेकिन हमें वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। हमें तो सिर्फ एक अपना लक्ष्य दिख रहा है, जितने ज्यादा हम लोगों के पास पहुंच सके हम पहुंच रहे हैं।
ये भी बात कही जाती है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, कई योजनाएं यहां तक आई लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाई। क्या लगता है कि अब किस तरह की कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो योजनाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी? जी हाँ, कांग्रेस के जब यहाँ पर अपना केंद्र में सरकार बनेगी तो अभी राहुल जी ने भी आज कहा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होगा बुंदेलखंड में, जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं वो पहुंचेंगी। यहाँ पर जो आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं वो 6 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे और जो टक्कर है वो कहाँ देखती हैं? जी हाँ, वो हालांकि बहुत पुराने हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता की वजह से जनता यहाँ पर उनसे काफी दुखी है और गुस्सा भी है, नाराज भी है। और जब जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे पूरा प्रेम और पूरा सपोर्ट मिल रहा है जनता का, और चाहते हैं जनता कि मैं आऊँ, मैं काम करूँ, क्योंकि मैं काम करने के लिए ही राजनीति में आई हूँ। 6 बार लगातार जनता उन्हें चुन रही है, पहली बार आप मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि जनता इस बार क्या देखकर आपको चुनाव करेगी? देखिए, 10 सालों से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए, सांसद निधि भी खर्च नहीं हुई है, इसी वजह से जनता को अब जनता बहुत परेशान है और जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और एज अ महिला कैंडिडेट भी मुझे एक फायदा मिल रहा है, क्योंकि एक भरोसा मुझ पर किया जा रहा है जनता की तरफ से। महिला सशक्त हुई है क्या यहाँ पर? अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आएंगे तो जरूर सशक्त करेंगे। ये भी बात कही जाती है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, पलायन की स्थिति हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती हैं? आप भी क्षेत्र में जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं? अगर जनता आपका चुनाव करती है, आप संसद पहुंचती हैं, तो उन मुद्दों को रखेंगी? हम पानी की समस्याएं सबसे पहले सुलझाएंगे, क्योंकि पानी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, कहीं कहीं पर इतना ज्यादा परेशानी है कि 2-2 किलोमीटर जाकर के पानी उनको लाना पड़ता है पीने का। इसके लिए हम नदियों को तालाबों से जोड़ करके, बांध बना करके, और घर में, हर घर में पानी पहुंचाएंगे। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर रोजगार पिछले 15 वर्षों से मिला नहीं है लोगों को, इस वजह से यहाँ पलायन बहुत होता है। तो राहुल गांधी जी ने इसके लिए कहा है कि यहाँ पर उद्योग धंधे खोलेंगे और फूड प्रोसेसिंग, हर जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स खोलेंगे, जिससे कि उनको वहाँ पे रोजगार भी मिले और किसानों को भी अपनी फसलों का सही दाम मिले। फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा यही नारा के साथ जनता के पास जा रही है, क्या लगता है कि मोदी की लहर है और उसका असर आप पर पड़ेगा? जी, मुझे अभी इस क्षेत्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मोदी लहर यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही है, और चुनाव हम जीतेंगे। स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी की सभा हुई और भी मंत्री आएंगे, तो क्या लगता है कि उनका कितना असर पड़ रहा है? और जो वोट बैंक रहा है काफी, हार जो है वो कांग्रेस की बड़ी हार होती रही है, उस पर कितना असर पड़ेगा? हाँ जी, काफी समय से कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत के आ पा रही है, लेकिन इस बार हमें पूरा भरोसा है कि ये सीट हम निकालेंगे, और जो भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट हमको पूरा मिलेगा, उसका फायदा हमें मिलेगा। ये भी बात मानी जाती है कि जो भाजपा के लोग हैं वो गांव-गांव तक योजनाओं को बता रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौर सुजला योजना हो, क्या लगता है कि ये जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंची हैं? नहीं, ये योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, उससे बहुत जनता को नुकसान भी हुआ है, लोग परेशान भी हुए हैं, इस वजह से इन सब चीजों से उनको फायदा नहीं मिलेगा, और जनता भी हमी को सपोर्ट कर रही है। नोटबंदी, जीएसटी, इसका कितना असर बुंदेलखंड या आपके लोकसभा क्षेत्र में नजर आता है? नोटबंदी और जीएसटी की वजह से लोग परेशान ही हुए हैं, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। किस तरह के परिणाम देखती हैं जो 2019 का जो रण संग्राम है उसमें किस तरह का परिणाम नजर आएगा? हमारे यहाँ से, मध्य प्रदेश से, तो मेरा पूरा यही भरोसा है कि सारी सीट हम ही लोग लेकर के जाएंगे। तो ये थी टीकमगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी किरण अहिरवार जी, जिनका कहना है कि इस बार महिला प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में उतरी हैं और जो उनके सामने प्रतिद्वंद्वी हैं उनको जरूर शिकस्त देंगी और मध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। बुंदेलखंड के लिए
लिए जो टीकमगढ़ की सीट है वो बेहद अहम है। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार कोई चूक नहीं बरतना चाहती, चाहे दिन की दोपहर हो या शाम की ठंडक। कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो घर घर जा रहे हैं और कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। इस वक्त रात का समय है लेकिन कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, ये बताइए किस तरह का उत्साह इस बार कांग्रेसियों में नजर आ रहा है और किस तरह की जो जीत है वो आप लोग देख रहे हैं। भाजपा सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, जबकि मोदी के साथ ही वीरेंद्र खटीक जी 5 साल सांसद रहे और करीब 2 साल मंत्री रहे हैं। अब जब उसी मोदी के साथ में रहे हो आप, तो फिर मोदी के किस नाम पे वोट मांग रहे हो? दूसरी चीज, ये पूरे टाइम चौपाल लगाई है। अब जब सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है, बीजेपी की, कांग्रेस की है, तो इनकी चौपाल में आएगा क्या? कौन आएगा? तो अगर हम 10 साल से पछता रहे हैं तो अगले 5 साल के लिए फिर पछताने के लिए तैयार रहे बीजेपी को वोट देके? बीजेपी को वोट देके पछताने की बात कह रहे हैं कार्यकर्ता। आप महिला हैं, महिला प्रत्याशी आपके साथ हैं, किस तरह आप जा रही हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है लोगों से? बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत उत्साह से बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी, बीजेपी वाले काम ही नहीं करते हैं, जिसमें कि मतलब कांग्रेस वाले करेंगे काम, तो सभी लोग उत्साह है और सोच रहे हैं कि भाई किरण जीतेंगी तो हमारा कुछ काम होगा, महिलाओं का काम होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए किरण एक रूप नजर आ रही हैं क्या? आ रही हैं, बिल्कुल नजर आ रही हैं। बहुत उत्साह है औरतों में, बहुत ज्यादा है, और हर जगह मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ यही बोलते हैं किरण को जीतना है। 2 बार से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं, इस बार क्या किस रणनीति में आप लोग काम कर रहे हैं और क्या नतीजा देखते हैं? नतीजा टीकमगढ़ सीट का प्रभाव, आज जब राहुल गांधी जी की आम सभा हुई तो उसका प्रभाव सागर, खजुराहो, दमोह सीट पर भी गया और एक मैसेज गया कि टीकमगढ़ सीट तो जीत ही रहे हैं, दमोह सागर भी जीतने की ओर बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि वीरेंद्र खटीक वापस सागर जाएंगे, हार के जाएंगे और किरण अहिरवार इस बार जीत के आएंगी। और जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी आपके सामने है कि किरण का जो महिला के साथ जुड़ा हुआ, और जो राहुल गांधी जी ने अपना न्याय योजना के बारे में बताया और हर महिला को 72,000 रुपए साल का देने की योजना जब बताई है, तो पूरे क्षेत्र में एक स्फूर्ति की लहर आ गई है और कांग्रेस में एक संचार हुआ है कि यदि देश में आगे प्रधानमंत्री बनाना है तो मोदी नहीं राहुल गांधी को चुनना है, मोदी नहीं राहुल गांधी को चुनना है। ये बताइए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कैसे आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जो दिन की गर्मी होती है फिर रात को आप लोग किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? देखिए हमारा टारगेट है कि एक लक्ष्य है कि हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ना हम दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, एक रूप सूत्रीय काम कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। रही बात भाजपा की, तो यहाँ पर कंटिन्यू 15 वर्ष से भाजपा के सांसद है, जिसमें से 10 साल वीरेंद्र खटीक के हैं। उन्होंने यहाँ जो राशि जो मिलती है, जो सांसद निधि मिलती है, उसमें से 6-7 करोड़ के समथिंग उन्होंने वापस कर दी। तो ऐसा सांसद हमारे लिए किस काम का कि जो राशि खर्च नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, ये बहुत दुख की बात है। कोई काम नहीं किया उन्होंने, रोजगार बेरोजगार फिर रहे हैं सारे युवा। मेडिकल कॉलेज की हमारे यहाँ बात थी तो मेडिकल कॉलेज उन्होंने दूसरी जगह पे दे दिया। तो इस प्रकार की परिस्थिति में भाजपा को कोई वोट देना नहीं चाहता। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुंदेलखंड में टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो लड़ाई है वो अपने चरम पर है। कोई भी दल है वो अपने से कम आंक नहीं रहा है और हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कांग्रेस ने भी इस बार ये दावा किया है कि भले ही उन्हें 2 बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, मगर इस बार महिला प्रत्याशी जीत जरूर दर्ज करेंगी और जो भाजपा के जीत के अभियान को रोकेंगी। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि मतदान का समय बहुत कम बचा हुआ है। यही कारण है कि जो पार्टी के नेता हैं या प्रत्याशी हैं वो सभी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में, जहाँ के आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। यहाँ पर आप पोस्टर भी देख सकते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं, महिलाओं एवं देश की सम्मान के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए टीकमगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सरल, सहज, ईमानदार
व्यक्ति के धनी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चुनाव चिन्ह कमल फूल में अधिक से अधिक जो वोट देकर जीतने की अपील भी की जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी भी यहाँ मौजूद हैं, लगातार वो रणनीति पर काम कर रहे हैं, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, चुनाव प्रचार किया जा रहा है और लोगों से वोट की अपील की जा रही है। हालांकि जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से मना की है। यही कारण है कि हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, किस तरह के मुद्दे आप लोग जनता के पास लेकर जा रहे हैं और क्या परिणाम की उम्मीद है? हमारा अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ देश, हमें देश बचाना है चोरों से। जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है, हम बता रहे हैं कि भैया हम लोगों ने क्या कि हमने जाके पाकिस्तान में जाके अपने कार्यकर्ता को छुड़ाया, अपने सैनिक को छुड़ाया है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कभी भी हमारे बम्बई में हमला हुआ, सीधे उनके हाथ साष्टांग हो गए। अब NU में चले गए, वहाँ जुड़ रहे, हमने हाथ कहीं नहीं जोड़े, हमने खुद उनको जवाब दिया है और वो जवाब आज पूरे भारत हमारे साथ है, पूरे इंडिया हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है और कह रहा है कि इस बार सिर्फ मोदी सरकार। मोदी देख सकते हैं कि देश को मुद्दे को लेकर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के पास जा रहे हैं। ये बताइए, इस बार जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से कांग्रेस ने एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, क्या लगता है वो कितना चुनौती दे पाएंगे? वो तीसरे नंबर पर बाहरी प्रत्याशी है, वो तो उनकी शादी यहाँ मलिया गांव में हुई, वो मलिया गांव में अभी एक या दो बार आई होंगी जब से शादी हुई, वो भोपाल में रहती हैं, वो क्या चुनौती देगी यहाँ पे आगे? उनका कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जातिवाद के आधार पर उनको उतारा है। तो कांग्रेस यही करती रहती है हमेशा, जातिवाद पर ही चुनाव लड़ती है, लेकिन यहाँ की जनता इतनी समझदार है, कम से कम 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हारेगी वो। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस जो प्रत्याशी, महिला कांग्रेस प्रत्याशी को उतारा गया है, उस पर बाहरी होने की बात भी भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। सर, ये बताइए, इस बार जो चुनाव है, क्या लगता है कि मोदी वर्सेस राहुल नजर आ रहा है? स्थानीय मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, राष्ट्रवाद का मुद्दा इस चुनाव में प्रमुखता से उभरा है, क्योंकि अन्य सभी मुद्दों तो चलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र पर जब आंच आती है तो निश्चित रूप से हम सबको एक होकर और राष्ट्रवाद के लिए खड़े होना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा है और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास तो है ही, विकास तो हमारे जो मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, 10 साल से यहाँ पर हैं, 2 बार से जीते हुए हैं, तो विकास तो हुआ है। ट्रेन आई है, जो हमने संकल्प लिए थे विकास के, वो सब विकास के हमने काम किए हैं और उन्हीं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2.5 लाख से अधिक वोटों से हम चुनाव जीतने वाले हैं, वही हम सब उसी में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उन्हें आत्मविश्वास है कि इस बार जो जीत होगी वो 2.5 लाख मतों से भी ज़्यादा होगी। कुछ और रणनीतिकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि अभी भी जो रणनीति है वो बन रही है, चुनाव जो में मतदान का समय है वो बेहद कम बचा हुआ है। सर, ये जो डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, वो अजय नेता माने जाते हुए हैं, इस बार किस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है? देखिए, ये टीकमगढ़ का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो प्रत्याशी दिया है वो 7वीं बार लोकसभा में पहुँचेंगे और जो पहली बार उनका जो आचरण था वो 7वीं बार भी देखने को मिलेगा। कहीं सांसद बनने के बाद आप जानते हैं राजनीतिक लोगों को, लोग सरपंच बन जाते हैं तो उनका 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। यहाँ 7वीं बार सांसद बनने के बाद भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे पहले थे वैसे ही यहाँ हैं और जैसा कि आपने अभी कहा, एक सहज, सरल और ईमानदार। हम लोग कहा करते हैं कि राजनीति की गांजे के खेत में तुलसी का पौधा अगर ढूंढने निकलेंगे तो वो वीरेंद्र कुमार है। सर, ये भी बात देखने को मिलती है, सहज व्यक्ति तो है लेकिन निष्क्रियता के आरोप लगते रहे हैं कि निष्क्रिय होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो सका, इसको लेकर क्या जनता के बीच में आक्रोश नजर आ रहा है? कहता है कोई निष्क्रियता नहीं आ रही है, लोग बात कहते हैं, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने हमेशा किसी का भी आज तक बुरा नहीं किया है। जहाँ जब आया, जो उनको पत्र लिखा, फोन किए, अपने स्तर से जनसेवा में कभी कोई कमी नहीं की। जब से वो टीकमगढ़ आए हैं, सिविल लाइन में निवास बना करके यही हमेशा, या दिल्ली में मीटिंग और नहीं तो फिर अपनी लोकसभा में अपना प्रवास और कार्यक्रम रखा है, चौपाल लगाई है, सेवा की है, ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का रहा है।
ये बताइए, आप लोग भरी दोपहरी में रात के समय में भी जनता के पास पहुंच रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? जनता का स्पष्ट निर्णय बिल्कुल दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि अब फिर मोदी सरकार, अब की बार निश्चित तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि फिर एक बार जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और सातवीं बार वो लोकसभा पहुंचकर टीकमगढ़ के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उठाकर उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, टीकमगढ़।